जहां एक और विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा मित्रों का सम्मान पूर्वक समायोजन की बात कही थी, वहीं आज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत न मिलने व शिक्षा मित्रों का समायोजन प्रदेश सरकार के अधीन करने के निर्णय के खिलाफ जिले के समस्त शिक्षा मित्रों ने बहराइश के डीएम चौराहे पर रोड जाम कर उग्र प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान कई महिला व पुरुष शिक्षा मित्र बेहोश हो गए, जिन्हें आनन फानन में उनके साथियों द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इसी को देखते हुए पुलिस व जिला प्रशासन से शिक्षा मित्रों की अगुवाई कर रहे नेताओं की तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रशासन द्वारा शिक्षा मित्र मंत्री अनुपमा जायसवाल को धरना स्थल पर बुलाने की मांग मानने के बाद शिक्षा मित्र सड़क से हटकर धरना स्थल चले। जिला मुख्यालय पे विशेष शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे हो रहा है। कल हम लोगों का धरना जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा और धरना तो हम नहीं करना चाहते थे, हमें कोई इसकी आवश्यकता नहीं थी, हम तो बच्चों को पढ़ा रहे थे, हमें इसकी क्या आवश्यकता थी। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उससे हम लोग विचलित हो गए, हम परेशान हो गए। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे अब हम कहाँ लेके जाएं, 45 साल की 40 साल की उम्र सब लोग पार कर चुके हैं, 17 साल की हमने बेसिक शिक्षा पे सेवा दी है, क्या आज हम यही दिन देखने के लिए हमने ये सेवा की थी? सरकार ने क्या सोच के हम लोगों को भर्ती किया था? आज हम सरकार से और ये मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए रास्ता निकाला जाए ताकि हम लोग पुनः अपने विद्यालय पे पुनः बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम कोई किसी से टकराव नहीं चाहते। आगे की रणनीति यदि यदि सरकार हमारे लिए सकारात्मक रास्ता निकाल लेती है तो हम पुनः अपने मार्ग पे लौट जाएंगे, हम पढ़ाना चाहते हैं और कोई हमारी रणनीति नहीं। यदि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम मर जाएंगे और आत्महत्या करने के अलावा, मरने के अलावा, मारने के अलावा और कुछ नहीं बचता, यही आखिरी है हमारा। हम जाके दिल्ली में या लखनऊ में आत्महत्या कर लेंगे, अब बस बहुत हो गया, अब जीना नहीं चाहते। ये तो पूरे प्रदेश में, पूरे बल्कि देश में सबको पता हो गया है कि शिक्षा मित्रों के साथ क्या क्या हुआ है। शिक्षा मित्र अब रोड पे आ गया है, उसके साथ मतलब अब अन्याय से क्या कहा जाए, अन्याय से भी अन्याय हुआ है। चारों ने 17 साल अपना पूरा जीवन इसी नौकरी पे लगा दिया, अपना पूरे देश के बच्चों को आगे बढ़ाने में लगा दिया। जब उनका खुद समय आया बनने के लिए, अपने बच्चों का समय बनाने के लिए, तो उनको रोड में खड़ा कर दिया गया। अब बस अब रह क्या गया उनके पास, या तो वो मर जाएंगे या तो किसी का सत्यानाश कर जाएंगे, अब तो बस यही रह गया। आज आप लोग कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं? हम लोग बीएसए ऑफिस में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम लोग कहीं के तो रहे नहीं, यह है कि अपना धीरे धीरे यहीं से प्रदर्शन स्टार्ट करें। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हो सकता है ये प्रदर्शन उपद्रव के रूप में भी बदल सकता है।